Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 16. Question is, in an AP arithmetic progression, the sum of the first n term is, पहली n term तक का सम कितना है? 3n square by 2 plus 13n by 2. Find the 25th term. आपको 25th term निकालनी है. किस तरह से निकालेंगे? See. देखिए यहां पर आपको इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म a नहीं निकालना, कॉमन डिफरेंस d भी नहीं निकालना. तो आप कैसे 25th टर्म की वैल्यू बता सकते हैं जब a भी नहीं निकालेंगे, d भी नहीं निकालेंगे? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है यहां पर लगेगा, अगर क्वेश्चन इसी तरह का होता है कि आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म दिया हुआ है और कोई पर्टिकुलर जो है टर्म की वैल्यू आपने बतानी है, तब आप इसे दो तरीके से देखिए कर सकते हैं. मैं दोनों के दोनों वेज आपको बता देता हूं. देखिए कैसे करेंगे. फर्स्ट केस में तो यहां पर अगर मैं यहां पे एस एन ले लेता हूं, एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर बाय 2 प्लस 13n बाय 2. नाउ अगर मैं 1 टर्म तक का सम निकालूं एस 1, दैट मींस दिस इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म. अब एस 1 कितना आ जाएगा? एस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 13 इंटू 1 अपॉन में 2. यहां पे कितना आ जाएगा? 3 बाई 2 प्लस 13 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 16 बाई 8. और अगर मैं यहां पे क्या निकालू? एस 2. एस 2 का मतलब दो टर्म तक का सम, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इन दो का सम. वो कितना आएगा? 3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 13 इंटू 2 बाई 2. अब ये जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? दिस कम्स आउट टू बी 6 एंड दिस कम्स आउट टू बी 13 एंड द आंसर इज 19. तो अब आप देखिए ये आपका a आ गया फ्रॉम फर्स्ट और ये आपका क्या आ गया? a प्लस a2 आ गया, दो टर्म तक का सम सेकंड. यहां से आप सेकंड टर्म की वैल्यू बता सकते हैं कैसे? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. अगर मैं यहां पे करूं तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस a2 माइनस a इज इक्वल टू 19 माइनस 8. तो दिस कम्स आउट टू बी a2 इज इक्वल टू 19 माइनस 8 इज 11. a2 की वैल्यू आ गई. और a2 कैसे बनता है? a2 इज a प्लस d होता है, सेकंड टर्म इज इक्वल टू 11. a की वैल्यू यहां पर आप कितना रखेंगे? 8. a की वैल्यू 8 रख दीजिए तो d इज इक्वल टू कितना आएगा? d इज इक्वल टू 11. d इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 3 आ जाएगा. ये आपका 3 आ गया d. अब आप 25th टर्म की वैल्यू बता सकते हैं. a 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस 25 माइनस, यानी n माइनस 1d वाला जो फॉर्मूला है वहां से. a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 8 प्लस 24 इंटू d इज इक्वल टू 3. 3 इंटू 24 कितना होगा? अगर मैं यहां पे निकालूंगा दिस इज 72. 80 आ गया. एक दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं. सेकंड मेथड देखिए क्या हो जाएगा. अगर मैं यहां पे सम अप टू 25 टर्म निकालूं, उसमें से माइनस कर दूं सम अप टू 24 टर्म, तो आपको जो मिलेगा वो 25th टर्म मिलेगा. फर्स्ट 25 टर्म तक का सम कितना आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू 25 जो टर्म है उनको ऐड करा देंगे. और फर्स्ट 24 में से फर्स्ट से लेके 24 टर्म तक का सम आ रहा है. अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ 25th टर्म भी तो बचेगी. और ये आप कैसे निकालेंगे? आपको sn तो पता ही है. यहां पर एक बार 25 रखेंगे, एक बार 24 रखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, वो 25th आ जाएगा जो कि 80 ही होगा.